हाय, आई एम डेविड सिंह रावत एंड यू आर वाचिंग DW बॉल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूं आप लोगों को लेकर मटेना। मटेना का ये प्ले ग्राउंड है जो आप लोग देखेंगे। भाई स्पेशली उन लोगों को कह रहा हूं जो घर पे बिजी रहते हैं और नहीं निकल सकते हैं घूमने के लिए, तो वो मेरे चैनल पर आकर, नए हैं तो सब्सक्राइब करके देश दुनिया में गली नुक्कड़, जंगल, पहाड़, नदी, पेड़ पौधे सभी जगह मैं आप लोग को लेकर चलूँगा हमेशा की तरह। तो आपको दिखाता हूँ मैं आज मटेना में जो प्लेग्राउंड है, खेल कूद का मैदान जो महेंद्र नगर के अंदर आता है, कंचनपुर जिला डिस्ट्रिक्ट है और नेपाल। ये ठीक बनबसा के पार, बनबसा से भी आ सकते हैं और जो आपका टनकपुर ब्रह्मदेव है वहाँ से भी आ सकते हैं देखने के लिए। और बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए, लोकेशन को देखिए। ये है मटेना का प्लेग्राउंड जो काफ़ी बड़ा है, लगभग अंदाजा कह सकता हूँ 3,500 फुट लंबा चौड़ा है इसका। और ठीक नदी बड़ी नदी नहीं है, बरसात के टाइम पे पानी आ जाता है, उसके बगल में ही ये बना हुआ है। ये बाउंड्री लाइन है, देख रहे हैं नाले के जस्ट साइड में ही पूरा दीवार लगा है, मजबूत दीवार। अभी तो पानी बिल्कुल सूखा है, बरसात के टाइम पर यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से ये पूरा बाउंड्री डाला हुआ है। ये सड़क है आगे जाने के लिए। ग्राउंड अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है और ये है शुरुआत का पॉइंट। जो ये सामने दिखाई दे रहा है नीले कलर के टीन शेड, छोटा वाला मैनेजमेंट रूम है और बड़ा वाला शायद बैडमिंटन के लिए बनाया हो, शायद समथिंग कोई खेल के लिए बना होगा। तो भाई कुछ इस तरह से बना है मटेना में प्लेग्राउंड। मटेना वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। सरकार ने प्लेग्राउंड बनाकर मटेना में बहुत बड़ा काम किया है गांव के आसपास के रहने वालों के लिए। नेपाल सरकार जो है वो विकास की तरफ बढ़ रही है। और हाँ, नेपाल की बात करूं गांव घरों की, तो सड़कें इतनी बन चुकी हैं, वो भी पक्की सड़कें। अब जैसे ये देख लीजिए, प्लेग्राउंड बन गया तो गांव के आसपास के रहने वालों के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिया, खेल कूद के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रोड है टनकपुर यानी कि ब्रह्मदेव जाने के लिए है और रोड के पास में ही बना हुआ है, कोई ज़्यादा दूर बच्चों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये रोड है गड्ढा चौकी जाने के लिए, जहाँ से आप बनबसा भी जा सकते हैं, बनबसा यानी कि इंडिया। आज के लिए भाई इतना ही, क्योंकि मेरा यहाँ का टूर था मटेना नेपाल का। तो जैसे मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं अपने YouTube के लिए काम करना शुरू करता हूँ। तो भाई आज का मेरा आप लोग को घुमाना था कि मटेना में जो प्लेग्राउंड है वो कैसे बन रहा है। और हमेशा से कहता हूँ यार, नेपाल के लोग जो होते हैं ना बहुत स्वीट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सीधे साधे बहुत होते हैं। और नेपाल गवर्नमेंट बहुत इम्प्रूव डेवलप हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और रोड बहुत सारे बन चुके हैं नेपाल में। ये सबसे बड़ा बदलाव है नेपाल का। और प्लेग्राउंड अभी बना नहीं है, कुछ महीनों के अंदर शायद बन जाएगा, उसके बाद बहुत बढ़िया लगना शुरू होगा ये मटेना का जो प्लेग्राउंड है। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।